19 जुलाई साल 1827 को मंगल पांडे का जन्म स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश के नगवा में हुआ। वे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। मार्च 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे के पहले सैनिक विद्रोह के साथ हुई। कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर सिपाही मंगल पांडे ने गोली चलाई थी। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत में यह पहला बड़ा विद्रोह था। ब्रिटिश सेना में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। मंगल पांडे ने गाय की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मंगल पांडे की देशभक्ति से जल्लाद भी प्रभावित थे, इसी कारण उन्होंने फांसी देने से इनकार कर दिया। उसके बाद कलकत्ता से जल्लाद बुलाए गए और 8 अप्रैल की सुबह बैरकपुर के परेड ग्राउंड में पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे को फांसी दी गई। 19 जुलाई साल 1969 को देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी वाले निजी बैंकों का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसी तरह अप्रैल साल 1980 में निजी क्षेत्र के 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार करना रहा है, जिससे किसानों और गरीबों तक बैंकों की पहुंच सुनिश्चित हो सके, ताकि पूंजीपतियों और साहूकारों पर कर्ज की निर्भरता कम हो सके। आज के दिन को बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।